सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रा एंडिंग और बस, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और अब मैं बनाऊंगी प्रसाद, क्योंकि आज ना मैंने कन्या पूजन का रखा है प्रोग्राम और साथ में हो जाएगा माता जी की विदाई भी फ्रेंड्स। तो 9 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि बहुत अच्छी रही फ्रेंड्स, आपके भी अच्छी रही होगी। तो बस बने रहना साथ में। सबसे पहले करते हैं प्रसाद की तैयारी। तो मैं अभी आ गई हूँ नादो के किचन में, तो चालू करते हैं व्लॉग। ओके, बने रहना फ्रेंड्स साथ में। तो प्रसाद के पहले गाइस मैं करूँगी माता जी के जो भी साज सिंगार है, मालाएं वगैरह चेंज करनी है, चुनरी वगैरह चेंज करनी है, और एक बार और मैं गंगा जल से पवित्र कर दूँगी सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं सब चेंज कर रही हूँ, चुनरी माता जी को दूसरी उड़ा रही हूँ, और फिर उसके बाद में मैं माला भी चेंज कर लूँगी। तो मालाएं वगैरह सबकी चेंज हो गई है, सबको फूल अर्पण कर दिए हैं, और अब मैं लगा लूँगी गाइस धूप, क्योंकि सबसे पहले धूप लगाना ज़रूरी होता है। तो धूप लगा दिया है और अब मैं कपूर जला के, कपूर और लौंग से होती है माता जी की आरती, तो बस वो मैं जला रही हूँ। तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे नहा धो के, आ गए हैं गाँव से सब वापस, और आज एंडिंग है तो अच्छा है, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नन्नो मेरे अभी उठ के आई है, जस सुबह लेट उठती है वो, लेट तो क्या, आज थोड़ा जल्दी ही है। तो यहाँ मम्मी पापा कर रहे हैं आरती, मैंने भी कर दी है आरती, और फाइनली शाम को मैं आज विसर्जन के लिए माता जी को उठा दूंगी, और फिर विसर्जन वैसे कल ही होगा, आज नहीं होगा। तो जो भी है गाइस बने रहना साथ में, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और फिर मैं आ गई किचन में फ्रेंड्स। तो बच्चों के लिए स्पेशल बन रहा है खाना, तो चने से ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि आलू बेटर रहेंगे, तो फिर मैंने यहाँ पे मैगी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, भले ही थोड़ा पेट भरा हुआ होगा तो भी वो अच्छे से एक दो पूरी खा लेंगे इस सब्ज़ी के साथ। तो मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग सब्ज़ी बनाई है। मसालों के तौर पर इसमें मैंने मैगी मसाले के पैकेट डाले दो, और थोड़ा सा डाला पाव भाजी, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, बस ज़्यादा ये तीखा नहीं लगेगा उनको और वो खा लेंगे आराम से। तो सब्जी यहाँ हमारे बन के रेडी है। बाकी जो पूरी प्रॉपर रेसिपी है फ्रेंड्स, उसकी मैं कन्या भोज में अलग से वीडियो डालूंगी, तो आप ज़रूर देखना कि अगर आपको थाली रेडी करनी है स्पेशली कन्याओं के लिए, बच्चों के लिए, तो आप इस तरीके से रेडी कर सकते हो। वैसे हमारे उधर पर ज़्यादातर लापसी बनती है प्रसाद के भोग में, बट यहाँ के लोग ना लापसी कम पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी हलवा सूजी का। ये ना प्रसाद के हलवा बना है, तो इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी कैसे बनाया है। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत कम टाइम में बन जाता है, और ना एक फिक्स मेजरमेंट के साथ बनाते हैं ना, तो कुछ भी इधर उधर नहीं होता है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट जाती है। तो मेरा हलवा एकदम परफेक्ट बना था और खाने में बहुत टेस्टी बना था, बच्चों ने भी अच्छे से खाया है फ्रेंड्स। तो उसके बाद बारी आती है खीर की, तो खीर भी मैंने बना ली थी, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, बट मैं ना लॉन्ग वीडियो में डालूंगी। और फिर मैंने ना पूरी का लगा दिया था आटा फ्रेंड्स, तो आटा लगा के रख दिया था। उसके बाद फिर बच्चे बच्चे आ गए थे, तो फिर मैंने पूरियाँ चालू कर दी थी। तो पूरी के लिए यहाँ पे मेरे पास है एक आयरन की कढ़ाई, मैं हमेशा डीप फ्राई के लिए यही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, और एकदम अच्छी है, मतलब अच्छी रहती है ऑयल वगैरह, बाकी ना कढ़ाइयाँ बहुत जल जाती है और उतरता नहीं है, इसमें टेंशन नहीं है वो। तो बस देखो मेरी पूड़ियाँ भी यहाँ अच्छे से फ्राई हो रही है। तो यहाँ पे ना मेरे हेल्पर है साथ में, होम हेल्पर जो काम करवाते हैं वो, तो वो पूड़ी बना रहे हैं बैठ के, पूरी बड़ी वाली और फिर काट के हैं। तो पूड़ी की ना साइज़ वो है फ्रेंड्स गोल नहीं है, तो आप प्लीज़ ये मत बोलना कि ये कौन सी पूड़ियाँ हैं, ये पूड़ियाँ ही हैं बट साइज़ थोड़ी डिफरेंट है। तो अब मैं सबसे पहले थाली लगाऊँगी, वो लगाऊँगी माता रानी के भोग के लिए। तो सबसे पहले थाली में रखेंगे हलवा, उसके बाद मैंने डाली है थोड़ी सी खीर, और साथ ही में रख देंगे फ्रेंड्स सब्जी, और फिर एंडिंग में रख देंगे पूरी। तो अब मैं आ गई हूँ वापस माता रानी के पास, और भोग से पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ गूगल धूप, आता है वो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है और स्पेशली माता रानी को बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगी जोत, और फिर नारियल चढ़ेगा, उसके बाद में भोग लगेगा फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अभी हो जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ हवन था वो भी हो गया था साथ में, और उसके बाद बारी आती है
कन्या भोजन की, तो सारे बच्चे आ गए थे टाइम पे ही हुआ था, 12 बजे समथिंग ये टाइम है इस टाइम। तो फिर कन्याएं मेरे हो गई थी 9, मेरे को टेंशन थी कि आज नौमी है पता नहीं ना, मतलब क्योंकि बहुत जने रखते हैं कन्या भोजन उस दिन, और बच्चे सुबह से शाम, मेरे दक्षा 2 दिन से कंटिन्यू इधर उधर भटक रही है कन्या भोजन, सब बुला रहे हैं कन्याओं को। तो मैंने सबसे पहले सब कन्याओं को तिलक लगाया और कुंकू रोली वगैरह करी, और हाथ में उनके रोली बांधी, और बाकी जो उनके देने के गिफ्ट्स वगैरह है वो खाने के बाद होगा। तो सबके ये हो गया था, उसके बाद लगाया खाना बच्चों के। तो वही खाना हो गया सबका, और अब बारी आती है गिफ्ट की। तो ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं किया है फ्रेंड्स, सब ना कन्याओं के लिए एक एक माता की चुनरी है, और चुनरी ये वही है फ्रेंड जो मैं हर दिन मैंने माता जी के चेंज करी है, वही चुनरी आशीर्वाद के रूप में मैंने इन कन्याओं को दी है ना, और सबको बोला है कि अच्छे से संभाल के रखना, ये माता जी का आशीर्वाद है। चुनरी है और इन साथ में कुछ क्लिप्स है बच्चों के, मतलब जो लड़कियों के काम आने वाली चीज़ें वो है, और फल के रूप में केला है, और कुछ दान दक्षिणा भी देनी चाहिए तो वो है, और सबके पांव छूने जरूरी होते हैं क्योंकि अपन इनको कन्याओं के रूप में बुलाते हैं, तो ये एक प्रकार से माता जी का रूप हो गए, तो ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो एंडिंग दर्शन करवा देती हूँ मैं माता रानी के आप सबको। तो देखिए हमारे माता रानी आज फाइनली विदा होने वाली है, रहते वो हमेशा अपने साथ ही है बट एक बना दिया है ना, और देखिए फ्रेंड्स मेरे जवारे इतने बड़े हो गए हैं, अच्छे से एकदम जैसे होने चाहिए ना वैसे हो गए हैं, इन 9 दिनों में कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। तो ये ग्रो हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा शगुन माना जाता है जवारे ग्रो होना। और बाकी जो मेरे आम के पत्ते हैं ना, जैसे मैंने लगाया था ना वैसे ही है, सूखे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है हमारे यहाँ पे। और मेरा दीपक जल रहा है, अखंड ज्योत जो बोलते हैं वो जल रही है, और इसमें मैंने ना अन्नपूर्णा का जो वो धान होता है वो भर के रखा है, तो ये आधा जाएगा चिड़ियों के लिए और आधा रहेगा वापस घर पे। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर गाइस।